Hey everyone, welcome back to your very own baiju's 9th and 10th channel. This is the Shikhar series and I'm your physics mentor Sorab. Today we are here to learn about lens formula, power, and magnification. Now, I understand I'm not live right now, but what's important is we have already done mirror formula and magnification. A lens formula, magnification or power. Mirror formula, right? When we study them after mirror formula, they become very easy. सो वाई एम आई रिकॉर्डिंग दिस वन आई एम नॉट देयर राइट नाउ सेकंड आपका टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए सो राइट नाउ लिसन टू बी वेरी केयरफुली राइट यू आर ऑलरेडी डन एंड प्रैक्टिस मिरर फॉर्मूला मैनीफिकेशन क्वेश्चन ये सेशन आपके लिए बहुत ईजी बन जाएगा आपको बस ध्यान से सुनना है नोट्स बनाने हैं और उसके बाद प्रैक्टिस करनी है ठीक है एंड आफ्टर दिस सेशन विल हैव अ लाइव डाउट सॉल्विंग सेशन चलो आगे चलते हैं एवरीबॉडी लेट्स सी व्हाट विल स्टडी टुडे हम पढ़ेंगे न्यू साइन कन्वेंशन के बारे में लेंस फॉर्मूला के बारे में

मिरर्स की तरह से हमको आने चाहिए राइट द वे आई टोल्ड यू इन मिरर्स वी शुड बी वेरी मच फेमिलियर विद ये cases रटने नहीं बैठोगे तुम तुमको अपने आप रेक्टिस के साथ इन्फिनिटी right? होता है तो क्या होता है कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉन्केव मिररर बोथ आर रिलेटिव सेम होते हैं इनके ऑब्जेक्ट एंड इन्फिनिटी इमेज कहां होगा सर फोकस पे कहा दूसरी साइड राइट right? फोकस दूसरी साइड होता है इमेज साइज कैसा होता है सर पॉइंट साइज नेचर कैसा होता है रियल एंड इनवर्टेड वेरी गुड बियॉन्ड टू एफ वन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड टू एफ वन इमेज इज डिमिनिश्ड इट इज रियल अगर ऑब्जेक्ट इज एट टू एफ वन ये केस कौन सा है सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला ऑब्जेक्ट एट टू एफ वन कहाँ बनेगा इमेज सर एट टू एफ टू साइज कैसा होगा सर सेम साइज कैसा होगा रियल इनवर्टेड पैटर्न कॉनकेव मिरर अगर आपको याद है ना ये बहुत ईजी है बस एक डिफरेंस है इमेज दूसरी तरफ बनता है है ना वरना बोलने के लिए एवरीथिंग इज सेम कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें तो वे ऑब्जेक्ट इज बिटवीन एफ वन एंड टू एफ वन इमेज इजर्न पकड़े बैकवर्ड एज यू आर ब्रिंगिंग ऑब्जेक्ट क्लोजर टू द लेंस मोर एंड मोर ऑब्जेक्ट इज कमिंग क्लोज टू द लेंस इमेज इज गोइंग बैकवर्ड्स है ना ऑब्जेक्ट आ गया F1 और 2F1 के बीच में इमेज कहां चला गया सर 2F2 के पीछे कैसा हो गया बड़ा हो गया इमेज कीप मूविंग बैकवर्ड एंड बिकम बिगर एंड बिगर मिरर में क्या होता था ऑब्जेक्ट पास आता था इमेज पीछे जाता था और बड़ा होता जाता था राइट right? है ना beyond two f2 enlarged real inverted at 2f1 at infinity infinite size real inverted between f1 and o a uh -uh, special exception case मिरर के अंदर भी होता था बिटवीन पोल एंड फोकस यहाँ क्या है बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर ऑन द सेम साइड एनलार्ज्ड एंड वर्चुअल एंड इरेक्ट एकदम आसान कोई दिक्कत ही नहीं है राइट right? है ना चलो कॉनकेव लेंस

फोकस पे कैसी बनेगी वर्चुअल इरेक्ट एंड और क्या हमेशा वही बनती है इमेज पोजिशन एट एफ वन इमेज साइज पॉइंट साइज इमेज नेचर वर्चुअल इरेक्ट सर एफ वन ये तो लेफ्ट साइड बन गई अब लुक एट द पैटर्न ना वर्चुअल इमेज कॉनकेव मिरर के अंदर कहाँ बनती थी राइट right साइड में सर कॉन्वेक्स मिरर में राइट right साइड में ओके okay. लेंस में क्या हो रहा है उल्टा हो रहा है ना रियल इमेज राइट साइड बनती है तो वर्चुअल इमेज लेफ्ट साइड बनेगी इसीलिए लेफ्ट में आ गया एफ वन पे आ गया ठीक है बहुत बढ़िया बिटवीन एनी वेयर एल्स अगर इनफाइनाइट छोड़ के आप कहीं भी रखो ऑब्जेक्ट इमेज विल भी बिटवीन एफ वन एंड ओ राइट होगी वर्चुअल चलो दीज आर द डाउट सो इन माई लास्ट सेशन आई टू मोस्ट ऑफ देम बट टूडे आई टेक देंस डाउट डोट वेरी इन द एंड आगे आते हैं लेंस की बात करें अगर इफ यू टॉक अबाउट एवरी डे आई टोल्टी यूज सो मेनी डिवाइस करेक्ट है ना ऑप्टिक्स यूजर मैनुअल की बात करें अगर हम राइट इफ आई टॉक अब ऑप्टिक्स यूजर मैनुअल वी हैव स्पेरिकल एंड एंडल लेंसेज फॉर यू राइट वी हैव लर्न द्योरी फॉर बोथ ऑफ देम दैट्स ट्रू है ना दैट्स एकदम ट्रू बढ़िया साइन कन्वेंशन एकदम सेम होता है एवरीबडी फॉर मिररर जस्ट रिकॉल एवरीथिंग फॉर मिररर क्या था सर राइट पॉजिटिव था ऊपर पॉजिटिव था लेफ्ट निगेटिव था और डाउन निगेटिव था सेम तो है इसके अंदर भी सेम एकदम कोई दिक्कत ही नहीं है राइट इज पॉजिटिव लेफ्ट इज निगेटिव अप इज पॉजिटिव एंड डाउन इज निगेटिव एकदम आसान बेसिक बेसिक फंडा एवरी थिंग इज सेम लाइक मिरर्स कुछ चेंज नहीं होगा साइन कन्वेंशन में है ना बिल्कुल कुछ चेंज नहीं होगा बहुत बढ़िया एक चीज आई वॉन्ट टू नो इन द होम वर्क वॉट इज दैट अगर मैं ऑब्जेक्ट को उधर रख दूंगा क्या चेंज होगा

राइट right साइड में है ना ट्रू सो साइन राइट साइड पॉजिटिव लेफ्ट साइड नेगेटिव नेगेटिव ऊपर पॉजिटिव नीचे negative, पढ़ लिया हमने है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वी क्या होता है इमेज डिस्टेंस एफ क्या होता है फोकल लेंथ एकदम आसान यू वी एफ तीन चीजें पता होना चाहिए यू मतलब ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर से कितना दूर है वी मतलब इमेज ऑप्टिकल सेंटर से कितना दूर है फोकस मतलब फोकस ऑप्टिकल सेंस से कितना दूर है और राइट है कि लेफ्ट है ये हमको बता देगा लेंस कॉन्वेक्स लेंस होगा तो राइट तो right में होगा कॉन्केव लेंस होगा फोकस तो लेफ्ट में होगा एकदम इजी है ना यस आओ लेंस फॉर्मूला की बात करते हैं इमेज इस पोजीशन कैन बी ऑप्टी एक्यूरेटली इसका फायदा ये होता है दूसरा एलिमिनेशन नीट रिमेंबर रे डायग्राम्स और सेम रीजन है कि हमने मिरर में मिरर फॉम्यूला पढ़ा था यू कांट मेक रे डायग्राम्स एवरी टाइम यू हैव टू बी स्मार्ट वी आर इंट्रोड्यूसिंग मैथमेटिक्स दैट्स वाई है ना लेंस फॉर्मूला

सो लेंस फॉर्मूला क्या बोलता है सर वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू इक्वल्स वन अपॉन एफ राइट करेक्ट है ना ओके चलो लेंस फॉर्मूला होता है वन अपॉन वी एंड माइनस वन अपॉन यू ठीक है अब एक चीज और सर लेंस में होता है माइनस मिरर में होता है प्लस ऐसा hmm. है क्या लेंस, लेंस माइनस, अच्छा सर यानी कि लेंस में भी बड़ा एस है माइनस में भी बड़ा एस है यानी कि माइनस आता है लेंस फॉर्मूले में मिरर फॉर्मूले में वन अपॉन वी वन अपॉन यू में क्या आता है प्लस लेंस में क्या आता है माइनस क्यों लेंस माइनस आ रहा है ना माइनस आएगा इसमें कुछ नहीं है स्मॉल इट अ वेरी स्मॉल ट्रिक एयर वेरी स्मॉल ट्रिक आई वॉन्ट यू टू रिमेंबर कैसे भी कर लो ये ट्रिक यूज करनी है, कर लो. Problem, है v, बढ़िया. आगे चलते हैं हमने पढ़ा था मैग्निफिकेशन फेरिकल मिरर्स के अंदर भी ट्रू राइट सो वट इज मैग्निफिकेशन देखो द लीनियर मैग्निफिकेशन इज द रेशियो ऑफ इमेज हाइट टू ऑब्जेक्ट हाइट दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मैग्निफिकेशन विच हैव ऑलरेडी स्टडीड फंडा वही रहेगा मैग्निफिकेशन विल नॉट चेंज इट इज द रेशियो ऑफ हाउ बिग द इमेज कम्पेयर टू द ऑब्जेक्ट मीन्स हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बहुत बढ़िया एंड दिस इज इक्वल टू वी अपॉन यू सर उसमें माइनस आया करता था राइट माइनस करेक्ट करेक्ट है ना मिरर फॉर्मूला में मिरर माइनस तो वहां माइनस आता था इसके अंदर ठीक है फाइन बहुत बढ़िया सो इसका और इजी है एच आई अपॉन एच इज इक्वल टू वी अपॉन यू वी मतलब इमेज डिस्टेंस यू मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये हो गए दो फॉर्मूले

फॉर्मूला पता सबको होता है आंसर गलत बहुत लोगों के आते हैं क्यों फॉर्मूला थोड़ी उनको ये था कि फॉर्मूला याद नहीं है दे डोंट नो हाउ टू अप्लाई इट दैट्स विल बी लर्निंग डे है ना यस वी अपॉन यू इज द मैग्निफिकेशन बहुत बढ़िया वन इंपॉर्टेंट थिंग एवरीबडी आई होप यू रिमेंबर इफ यू डोंट राइट इट राइट नाउ इन बोथ ऑफ दीज फॉर्मूलेज आप वैल्यूज रखोगे विद प्रॉपर साइन कन्वेंशन कोई भी ऐसा नहीं करेगा कि वैल्यू रखने के बाद साइन कन्वेंशन लगाएंगे है ना फॉर्मूले में चीजें रख देंगे फिर सोचेंगे साइन क्या होगा प्लस माइनस ना ये कोई नहीं करेगा पहले साइन कन्वेंशन के साथ वैल्यूज लिख दो सेपरेटली एंड देन यू पुट देम इन द ओके बहुत जरूरी है बहुत बढ़िया चलो एक और चीज ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है वैसे मेरर्स के अंदर ऑब्वियसली अगर मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड जीरो और वन के बीच में है यानी कि लेस देन वन है यानी कि इमेज इस डिमिनिस्ड भाई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अगर डिनोमिनेटर बड़ा होगा तो क्या आएगा ओवरऑल फ्रैक्शन का वैल्यू सर जीरो पॉइंट समथिंग दैट इज डिमिनिश्ड इमेज अगर न्यूमरेटर बड़ा होगा यानी कि इमेज हाइट इज बिग देन द ऑब्जेक्ट हाइट तब क्या होगा व्हाट विल यू गेट यू विल गेट मैग्नीट्यूड एज मोर देन वन एनलार्ज्ड इमेज ये तो पढ़ा हुआ है हमने सो so, मैग्नीट्यूड अगर लेस देन वन है तो डिमिनिश्ड इमेज है मोर देन वन है तो एनलार्ज्ड इमेज है बहुत बढ़िया मैग्नीट्यूड तो हो गया हमको दिखाने के लिए कि भाई साइज क्या होगा प्लस माइनस क्या बताएगा थिंक अबाउट इट प्लस माइनस क्या बताएगा प्लस का मतलब होता है आई टोल्ड यू दिस बिफोर अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है यानी कि हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव है यानी कि इमेज भी पॉजिटिव थी ऑब्जेक्ट भी पॉजिटिव था इट मीन इमेज भी अब प्रिंसिपल एक्सिस थी ऑब्जेक्ट भी अब प्रिंसिपल एक्सिस था दोनों इरेक्ट थे है ना दोनों सीधे सीधे थे तो मैग्निफिकेशन आ गया पॉजिटिव अगर मान लेते हैं लेट्स अज्यूम हाइट ऑफ इमेज इज नेगेटिव एच आई इज इक्वल टू नेगेटिव अपॉन एच ओ विच इज पॉजिटिव माइनस अपॉन प्लस क्या होता है माइनस राइट ऑब्जेक्ट तो सीधा है सर इमेज उल्टा है राइट सो इनवर्टेड इमेज के लिए मैनिफिकेशन नेगेटिव आता है इरेक्ट इमेज के लिए मैनिफिकेशन पॉजिटिव आता है डिमिनिश्ड इमेज के लिए मैगनीफिकेशन वन से लेस होता है लार्ज इमेज के लिए मैनिफिकेशन वन से बड़ा होता है अभी यू माइट बी थिंकिंग सर देर आर सो मेरी थिंग्स अ वेरी टफ चैप्टर नो एवरीथिंग इज कमिंग फ्रॉम द लॉजिक यू हैव ऑलरेडी लर्नड ये तो हम बस उसको लॉजिक को ना नाम दे रहे हैं वी आर मेकिंग आर वर्क इजी तो इट्स ओके यू आर लर्निंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम अभी बहुत हैवी लग रहा है कोई बात नहीं इतनी प्रैक्टिस करेंगे आई कैन प्रोमिस यू दैट ऑल दीज थिंग्स विल लुक लाइक चाइल्ड गेम टू यू रिलैक्स एकदम है ना चलो ठीक है बनाते चलने भाई मेहनत में कमी नहीं चाहिए मेरे को कम मूव फॉरवर्ड क्वेश्चन है आंट इज एट सेंटीमीटर्स अवे फ्रॉम लेंस फाइंड आउट द मैग्फिकेशन वैल्यू एंड इमेज साइज रेस्पेक्टिवली टफ लग रहा है क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा है ना इट्स ओके कोई बात नहीं दीज आर फोर ऑप्शन Minus 5, 5, minus 5, 10, plus 5, 10, plus 10, 5 millimeters, obviously. Hanji, come on, think about it. Dr. Vikram is trying to see an ant up close. He's using a magnifying glass of focal length 10 centimeters. Length of the ant is 2 millimeters, the ant is 8 centimeters. Come on. Try 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 it. Everybody, I'm not saying you solve the complete question. Come value Because I want you to match the values you have written with the values I will be writing, okay? एक बार वैल्यूज लिख लो तुम्हें क्या समझ में आ रहा है इस क्वेश्चन को पढ़ के बिकॉज आई एम जस्ट गोइंग टू सॉल्व इट फॉर यू रिलैक्स सॉल्व तो यार ये तो मेरा काम है ना मैं तो सॉल्व करूंगा ही आप पहले प्रैक्टिस करो एक बार गलती करोगे बहुत अच्छा है तभी आप सीख जाओगे चलो कमान चले आगे ओके okay, देखो भाई एक बात करते हैं पहले मैं यही लिख देता तो यार ट्राइंग टू सी एन आटक्लोज यूजिंग ग्लास पहले तो मैग्नीफाइंग ग्लास कौन सा होता है मतलब कॉन्वेक्स लेंस सर जी मैग्नीफाइंग ग्लास द रीजन आई ऑलवेज टेल यू गाइज कि यू शुड नो द एप्लीकेशन इज बिकॉज एप्लीकेशन विल बी यूज बाई द एग्जामिनर टू कंफ्यूज यू और दे विल गिव यू द नेम ऑफ द एप्लीकेशन इन द क्वेश्चन और बोलेंगे कि भाई मैग्नीफाइंग ग्लास है और बताओ जो है क्या कहते हैं इसका फोकल लेंथ इतना है मिरर फॉमर लगाओ सॉरी लेंस लगाओ तो क्या होगा दे विल गिव यू द नेम ऑफ द एप्लीकेशन वेरी इजीली है ना अब मैग्नीफाइंग लेंस क्या होता है

Focus is positive. So f equals plus 10 centimeters. Length of the ant is 2 millimeters. Okay. yoga height of object. Ab, height object ka raktu object you always keep above the principal axis. Nah? So height of object is plus 2 millimeters. If the ant is 8 centimeters away from the lens, this is what? Object distance. This is U. U कहां पे होता है सर लेफ्ट में होता है है ना सो so, U इज हाउ मच इट इज माइनस ऑफ एट सेंटीमीटर्स वेरी गुड फाइंड आउट द मैग्निफिकेशन वैल्यू एंड इमेज चाई रिस्पेक्टिवली बस इतनी ही वैल्यूज लिखनी थी हमको क्रॉस चेक हो गया फोकल लेंथ कैसा है सर फोकल लेंथ है प्लस टेन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज टू मिलीमीटर्स यू इज माइनस ऑफ एट सेंटीमीटर्स वेरी गुड और मैग्नीफाइंग लेंस अगर बोल दिया वी ऑल्सो नो द केस केस क्या है ऑब्जेक्ट इज कैट बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस मैग्नीफाइंग लेंस है मतलब कौन सा केस है वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड वाला कौन देगा सर कॉन्वेक्स लेंस देगा कब देगा बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस बहुत अच्छे है ना चलो ठीक है अब क्या करना है यू हैव टू फाइंड द मैग्निफिकेशन वैल्यू एंड इमेज साइज अब मैग्निफिकेशन के लिए थिंक अबाउट इट एम क्या होता है सर एच आई अपॉन एच ओ इज इक्वल टू वी अपॉन यू वी पता नहीं है हाइट ऑफ इमेज पता नहीं है यू पता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पता है. अच्छा काम करते हैं v निकाल लेते हैं क्यों इफ यू नो यू इफ यू नो एफ आप v तो निकाल ही सकते हो है ना लेट्स वी माइनस वन अपॉन यूल एफ आपको निकालना है क्या इमेज साइज सॉरी v ना तो ठीक है वन अपॉन वी इक्वल वन अपॉन एफ प्लस वन अपॉन यू पुट द वैल्यूज वन अपॉन टेन प्लस वन अपॉन माइनस ऑफ एट एलसीएम क्या आएगा फोर्टी है ना

गॉट द वैल्यू ऑफ एम सोचो जरा सर इमेज वॉज वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्निफाइड मैग्नीफाइड थी यानी कि मैग्निफिकेशन की वैल्यू वन से बड़ी होनी चाहिए मेरी आ रही है फाइव सही है वर्चुअल इरेक्ट इमेज थी मतलब मेरी वैल्यू आनी चाहिए थी पॉजिटिव प्लस फाइव आ रही है सही है आंसर ठीक है भाई क्रॉस चेक करना है विदाउट क्रॉस चेकिंग डोट मूव फॉरवर्ड एंडेलिंग यू ठीक है सो एम इज कमिंग आउट टू बी एम इज हाउ मच फाइव पूछा हुआ है इमेज साइज कितना होगा अब इमेज साइज यू कैन फाइंड इफ एम इज फाइव हाइट ऑफ इमेज यू डोंट नो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हाउ मच सर टू एम एम राइट सो एच आई इज हाउ मच फाइव इंटू टू टेन एम एम यह आ गया हाइट ऑफ इमेज सर प्लस आया है प्लस ही तो आएगा क्यों सर ऑब्जेक्ट इरेक्ट था इमेज भी तो इरेक्ट थी सो दैट्स वाई हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव लॉजिक प्लस मैथ और लाइट का चैप्टर हो जाएगा एकदम आराम से मक्खन की तरह से चलो सो वी गॉट द्लस टू सी प्रॉपरली ऐसा होता है ना अब हमारे जब चश्मा लगा था वेरिंग स्पेक्टिकल्स राइट नाउ ऐसे ही होता है यू यू फील लाइक आई एम नॉट एबल टू सी द बोर्ड प्रॉपरली और टू रीड प्रॉपरली चले टॉक टूट माई आई डॉक्टर और हम बोलते हैं ना तेरा नंबर कितना है माइनस वन पॉइंट फाइव है हाउ मच इज योर नंबर माई नंबर इज प्लस टू पॉइंट फाइव दे ऑलवेज टॉक अब देट मैंशन वॉट इज दिस माइनस इन प्लस पता क्या क्या वॉट डू वी मिस इट्स सपोज टू बी माइनस वन पॉइंट समथिंग डायऑप्टर डी ये डी मैंशन नहीं करते हम लोग पावर ऑफ अ लेंस क्या होता है

ंड्रेड अपॉइंट ट्वेंटी सो पावर आ गया फाइव हो गया काम ठीक है सो इट्स नॉट अ सेपरेट फॉर्म बस आप ये याद रखो एवरीबॉडी दैट यू हैव टू कीप द फोकल लेंथ इन मीटर्स बड़ी गलती क्या होती है पता है इसमें हम फोकल लेंथ सेंटीमीटर में रख देते हैं और आंसर हमारा गलत आ जाता है डोंट डू दैट ऑलवेज कीप इन मीटर्स ठीक है सो एंड द यूनिट इज डायोप्टर्स नो बडी फॉगेट दिस डायोप्टर्स फाइन सो फोकल लेंथ फॉर कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव सो पावर विल बी राइट? फोकल लेंथ फॉर कॉन्केव लेंस इज नेगेटिव, सो नेगेटिव, कोई दिक्कत नहीं है लेट्स से फोकल लेंथ किसी की ट्वेंटी है और किसी की टेन है ट्वेंटी सेंटीमीटर्स इट है दोनों में इसे पावरफुल कौन है

से देखो इफ दिस इज योर लेंस ठीक है है है, है ना, ना? एक हो रही मान के चलो एक और लेंस है कोई ऐसा यहां पर क्या हो रहा है लाइट रेज दे आर कन्वर्जिंग ओवर हियर फोकल लेंथ कौन सा छोटा है

और जैसे मेरी नानी हुआ करती थी है ना अब अभी नहीं है जैसे हमारी नानी ना बहुत मोटे चश्मे पहनती थी और आपको चश्मा पकड़ के लग जाएगा यार बड़ा मोटा चश्मा है यानी कि पावर ज्यादा है आप बोलते हो ना कई बार अरे तेरा कितना पावर है भाई ये तो बहुत ज़्यादा है इट इज थिकर लेंस पावर ज्यादा होगा राइट तो होगा लेंस थिक पावर कम होगा तो लेंस होगा थिन फोकल लेंथ ज्यादा मींस लेस पावर मींस लेस बेंडिंग ऑफ लाइट फोकल लेंथ कम मींस मोर पावर मींस मोर बेंडिंग ऑफ लाइट ठीक है क्लियर एकदम वेरी गुड चलो एक और क्वेश्चन इफ द ऑप्थर्मोलॉजिस्ट आई डॉक्टर हैज दैट रोहन एंड हिज ग्रैंड फादर रिक्वायर लेंसेज ऑफ पावर्स माइनस टू पॉइंट फाइव डायऑपर्स एंड प्लस जीरो पॉइंट सेवन फाइव डायऑप्टर्स रिस्पेक्टिवली वॉट वुड बी द नेचर ऑफ रिस्पेक्टिव लेंसेज थिंक अबाउट इट अब वॉट डू टेल यू जो साइन फोकल लेंथ का होगा वही साइन तो पावर का होगा करेक्ट आंसर नेगेटिव होता है कॉनकेव लेंस का क्यों सर कॉनकेव लेंस का ना डाइवर्जिंग हो जाता है सो लेफ्ट साइड में आता है फोकल लेंस फोकल लेंथ नेगेटिव मतलब पावर नेगेटिव क्यों सर पावर इज वन अपॉन एफ कोई साइन चेंज थोड़ी कर रहा है ये दिस इज नॉट चेंजिंग द साइन नो So whatever the sign for focal length, that is the sign for power. If focal length is negative, it is a concave lens. मतलब power is negative. It's a concave lens. Plus is a convex lens. Very good. So it's concave and convex. Easy question एकदम. Combination of lenses की बात करते हैं. Now this is a very 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 easy, but very I would say frequently asked topic. ये बहुत पूछते हैं. एक बात सोचो जरा. एक बार एक बार ना थोड़ा थोड़ा ध्यान से देखते हैं. एक बात बताओ. ड वन कॉन्वेक्स लेंस है ना एंड इट्स फोकल लेंथ वॉज ट्वेंटी सेंटीमीटर्स पैरल लाइट रेज फॉल ऑन दिस कॉन्वेक्स लेंस एंड दे विल कन्वर्ज एट अ पॉइंट विच इज ट्वेंटी सेंटीमीटर्स फार फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर सर ये तो ईजी है क्या बता रहे हो आई नो अब ध्यान से सुनो इफ आई एड वन मोर कॉन्वेक्स लेंस है ना ना इफ पैरल रेज फॉल ऑन दिस कॉम्बिनेशन लाइट रेज विल कन्वर्ज 20 से पहले ट्वेंटी के बाद में बिफोर ट्वेंटी और after 20. You tell me that. Yes, come on. अरे रुक मैं मैं छुपा देता नहीं नहीं उसका मतलब आंसर लिखोगे कमॉन राइट आंसर बिफोर ट्वेंटी क्यों पहले एक लेंस कन्वर्ज कर रहा था अब दोनों मिलके कन्वर्ज कर रहे हैं दोनों एक दूसरे का साथ दे रहे हैं बोथ ऑफ आर सपोर्टिंग दे विल कन्वर्ज मोर ज्यादा कन्वर्ज करेंगे तो 20 से पहले ही लाइट कन्वर्ज हो जाएगी राइट right? है ना सो दिस इज हाउ द कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज वर्क अब इसकी अगर हम बात करें ना तो पता क्या करना होता है टोटल पावर कितना हो जाएगा टोटल पावर बिकम्स हाउ मच पावर इज पी वन प्लस पी टू एंड एट दम विद देर साइंस पहले का पावर कितना है सर हंड्रेड अपॉन ट्वेंटी दूसरे का कितना है सर हंड्रेड अपॉन ट्वेंटी टोटल कितना हो गया ट्वेंटी ऊपर हो गया टू हंड्रेड यानी कि टेन एक का पावर कितना था पावर ऑफ सिंगल लेंस कितना पी वन वॉज हंड्रेड बाई ट्वेंटी मतलब कॉम्बिनेशन का कितना पावर है टेन डायोप्टर्स पावर फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज आप कुछ मत करो टेक द पावर ऑफ वन लेंस टेक द पावर ऑफ अनदर लेंस एट देम विद साइन क्या मतलब है अगर मैं एक पावर दूं आपको P1 वन इज फाइव डायऑप्टर्स पी टू इज माइनस ऑफ टेन डायऑप्टर्स कॉम्बिनेशन का पावर कितना होगा वॉट इज द पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन इट इज प्लस फाइव माइनस टेन मतलब ऑफ माइनस ऑफ फाइव डाऑप्टर ओवरऑल कॉनकेव बन गया ना क्यों माइनस टेन बड़ा था ज्यादा पावरफुल था तो इसने इस कॉम्बिनेशन को कॉनकेव बना दिया एकदम आसान है ना चलो डिफाइन वन डायऑप्टर पावर ऑफ अ लेंस We just did it. One diopter is the power of a lens which has a focal length of one meters. Right? Very good. A convex lens forms a real and inverted image of a needle at a distance of 50 centimeters from it. Right? Okay. Where is the needle placed in front of the convex lens if the image is equal to the size of the object? Bus. We You tell me. Where is the needle placed in front of the convex lens? इफ द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट कौन सा केस होता है वेयर यू हैव इमेज साइज इक्वल द ऑब्जेक्ट साइज विच केस इज दैट द ऑब्जेक्ट इज्ड एट टू एफ वन इमेज इज एट टू एफ टू इमेज इज ऑफ द सेम साइज इमेज इज रियल एंड इनवर्टेड यहीं पर तो केस काम आते हैं राइट सो थिंक अबाउट इट योर योर लेंस इज दिस ठीक है दिस इज योर एफ वन दिस इज योर एफ टू टू एफ वन टू एफ टू योर ऑब्जेक्ट विल बी लाइक दिस योर इमेज विल बी लाइक दिस योर इमेज इज फिफ्टी सेंटीमीटर्स फ्रॉम द लेंस योर ऑब्जेक्ट शुड भी फिफ्टी सेंटीमीटर्स फ्रॉम द लेंस टू एफ वन इज इक्वल टू टू एफ टू है ना बाई कॉन्वेक्स लेंस है तो ये होगा फाइन यस तो ठीक है वी हैव गॉट

एफ कितना आ गया फिफ्टी 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 एल सी एम एल सी एम वन प्लस एफ टू बाई फिफ्टी सो एफ इज कमिंग आउट टू बी प्लस ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर वेट यू गॉट द आंसर सोचो फोकल लेंथ मेरी पॉजिटिव आ रही है लेंस कौन सा है लेंस है कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ होती है पॉजिटिव हाँ सही है क्लियर एकदम आसान है ना भाई आंसर आ गया यू हैव टू चेक यूजिंग द लॉजिक मैंने कोई मिस्टेक तो नहीं किया पॉजिटिव आया आंसर वेरी गुड एकदम आसान प्लस ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर्स कोई दिक्कत नहीं है इसमें राइट यू गॉट द फोकल लेंथ लेंथ इफ फोकल इज प्लस ट्वेंटी पावर सर क्या बात कर रहे हो पावर इज वन अपॉन फोकल लेंथ इन मीटर्स फोकल लेंथ कितनी है ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर्स मतलब ट्वेंटी फाइव बाई हंड्रेड पावर इक्वल्स वन अपॉन ट्वेंटी फाइव बाई हंड्रेड पावर इक्वल्स हंड्रेड बाई ट्वेंटी फाइव मतलब फोर

कितना आता है सर वन पॉइंट टू जीरो पॉइंट फाइव हाँ ऐसे नहीं करना आई अंडरस्टैंड इफ यू आर इन हरी ओके फोकल कन्वेंशन फोकल लेंथ है सर कॉन्केव लेंथ लेंस लेंथ होता है सर ऐसा होता है कॉन्केव लेंस तो इसका तो लेफ्ट में आता है अच्छा ठीक है so, सो फोकल होना चाहिए एफ इज माइनस ऑफ टू मीटर्स पावर इज हाउ मच वन अपॉन एफ यानी यानी कि कि माइनस में लेंस है ना पावर कोई दिक्कत नहीं है इसमें राइट सो एवरीबॉडी हो गया आई टोल्ड यू इफ यू आर क्लियर विद मिरर फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन लेंस फॉर्मूला इज वेरी इजी इसीलिए टुडे आई डोंट वांट टू वेस्ट एनी टाइम मैंने आपको एक एक चीज पढ़ाई है आज भी लेकिन हर चीज बहुत सिमिलर है मिरर फॉर्मुला से सो आई एम टेलिंग यू इफ यू हैवंट वॉच द मिरर फॉर्मूला लेक्चर प्लीज वॉच इट टुडे होमवर्क ऑल्सो बाई दलो हमने क्या पढ़ा आज हमने पढ़ा लेंस फॉर्मुला एंड मैनीफिकेशन दिस इज फॉर्मुलाफिकेशन लेंस में आता है एस माइनस में आता है माइनस माइनस आ जाएगा यहाँ पे ठीक है तरीके हैं याद करने के जो तुमको अच्छा लगे राइट है पावर ऑफ अस इट इज अजर ऑफ द डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डायवर्जेंस ऑफ लाइट रे इज फॉलोइंग ऑन इट मैथमेटिकल इट इज गिवन बाई वन अपॉन एफ एंडल इन मीटर्स वेरी इजी एकदम कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज होंगे तो पावर को एड करना है विदर प्रॉपर साइन

So, in optical center, but you know what happens in optical center. Let me draw a nice big lens for you, like this. This is my lens. Okay. Optical center, what happens is this is your, let's say, principal axis. Let me change the color again. Light ray comes, okay. Right? Light ray comes, SA essay, right? Let's say this is the optical center. Wait. Light ray, let's say, is coming towards the optical center essay. Right? ठीक है फाइन ये रहा नॉर्मल ये बेंड हुई टूवर्ड्स द नॉर्मल ऐसे गई यहां पर इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल सो जितना बेंडिंग पहले कर्व पे हुआ था राइट द फर्स्ट सरफेस पे जितना बेंडिंग हुआ लास्ट नेक्स्ट सरफेस पे उतना ऑपोजिट बेंडिंग हो गया गेटिंग माई पॉइंट पहले सरफेस पे जितना बेंड टूवर्ड नॉर्मल हुआ सेकंड सरफेस पे उतना ही बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल हो गया सो so, इस तरह से दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया तो हम बोलते हैं कि ऑप्टिकल सेंटर की तरफ जाने वाली लाइट रे बेंड नहीं होती है 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 ना ठीक आई होप दिस इज क्लियर दिस इज सिमिलर टू दैट ग्लास लैब वाला चीज है ना थोड़ा सा वैसा ही है तो इसलिए बेंडिंग होती है बट दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं इसलिए ऑप्टिकल सेंटर बेंडिंग नहीं होती है ठीक है बच्चा बोर्ड्स विद बाइजूस योर सीनियर्स गॉट अमेजिंग रिजल्ट्स आर पार्ट ऑफ बाइज फैमिली डू यू वॉन्ट टू बी अ पार्ट सब्सक्राइब राइट नाउम टेबल इज फिक्स इट फिक्सड इन स्टोन हम लोग अगर छुट्टी भी लेते हैं हम मेक श्योर करते हैं आपका लर्निंग रुकना नहीं चाहिए राइट दिस इज टाइम टेबल वी हैव ड्रॉन फॉर यू एंड वी आर फॉलोइंग इट यू ऑल्सो प्लीज मेक योर टाइम टेबल अकॉर्डिंगली बिकॉज एवरीथिंग विल बी कवर्ड आपको बस रेगुलरली आना है प्रैक्टिस करना है जो बोल रहे हैं करते चले जाओ साथ में जुड़ेंगे और बोर्ड एकदम फोड़ फाड़ मचा देंगे रिलैक्स एकदम ठीक है सब्सक्राइब बिकॉज इफ यू आर सीरियस फॉर य स्टडीज आई वुड एक्सपेक्ट यू टू सब्सक्राइब आपने सेशन अगर ढंग से देखा हुआ है तो आप खुद ही कर लोगे आई डोंट हैव टू टेल यू टू सब्सक्राइब और इफ़ यू आर नॉट सीरियस विद योर स्टडीज देर आर लॉड ऑफ अदर प्लेसेज बच्चा जहाँ पर बहुत टाइम पास होता है ना बहुत मस्ती होती है बट पढ़ाई वढ़ाई नहीं करते लोग आई हैव सीन आई हैव बहुत चैनल देख रहा हूँ मैं आजकल सो वट एम सेंग इफ यू रियली वॉन्ट टू स्टडी देन सब्सक्राइब और अगर आपको टाइम पास करना है देन यू आर फ्री टू गो है ना दिस नो बाउंडेशन सब्सक्राइब करो लाइक करो सेशन को अगर तुमको लगता है कुछ अच्छा सीखा तुमने आज लाइक राइट नाउ एंड शेयर इट टू योर फ्रेंड्स बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग यार डोंट यू वॉन्ट दैट योर फ्रेंड्स शुड ऑल्सो हैव द सेम अपॉर्चुनिटी लाइक यू अगर दोनों सेम जगह से पढ़ोगे तो पता क्या होगा आप दोनों बातें भी सेम टाइप की करोगे राइट यू विल ऑल्सो टॉक अबाउट द सेम कॉन्सेप्ट डाउट्स एंड यू विल बिकम अ बैच और बैच के साथ पढ़ना बहुत अच्छा होता है दैस आई एम टेलिंग शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड लेट्स मेक श्योर बोर्ड्स ट्वेंटी ट्वेंटी फोर में You come out with shining colors. I'm telling you, you will do it. Just be careful, okay? Take care. See you next time, and bye bye.